फिर आया नीतीश कुमार तो उसी रख बनाएगा। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल सहस्र न्यूज और मैं ब्रजेश सिंह। आज हम जहां बैठे हैं यहां आप कह लें तो राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। जहां हम अभी बैठे हैं इसको हम सरल भाषा में आपको बताना चाहेंगे कि इसको हम या आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु अगर कहा जाता है तो वो यही जगह को कहा जाता है। और आप अचरज में पड़ गए होंगे कि आखिर कौन सा केंद्र बिंदु है जहां हम बैठे हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने दो चार नाम जरूर अपने दरमियान आपने जरूर दो चार नामों को सुना होगा, जैसे अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित और एससी एसटी, पता नहीं सैकड़ों नाम इस बिंदु को इन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने दे रखा है। आज हम उसी केंद्र बिंदु में बैठे हैं और आज समझना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पार्टियां पूरे देश पर शासन करती हैं या विरोधी पार्टियों के तौर पर बैठती हैं, विपक्ष के तौर पर बैठती हैं, इनका सारा राजनीति अगर कहीं से शुरू होता है तो वो इसी केंद्र बिंदु से शुरू होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी केंद्र बिंदु के स्थिति इतना खराब है कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पीछे जो है काफी लोग बैठे हुए हैं, हम आपको बता दें और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहां से राजनीति शुरू होती है वहां का जो केंद्र बिंदु जिसको हम अभी कह रहे हैं उसका स्थिति वास्तविक में बिहार में क्या है। हम अभी कटिहार जिले के मकदमपुर पंचायत में बैठे हुए हैं, एक महादलित गांव में, जहां की लगभग सैकड़ों गांव महादलित का है और इनको आप अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा और गरीबी रेखा से नीचे सारा जो भी चीज आप जानते हैं इनके लिए जो यूज होता है चुनाव में वो सारा उपयोग आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आखिर इनको जो भी चुनाव जीत के यहाँ से प्रतिनिधि जाते हैं तो इनको क्या फायदा आज तक मिला, क्योंकि नाम इन्हीं का बेचा जाता है, काम किन्हीं और का होता है। तो चलिए हम जानना चाहेंगे, लगभग 10-20 आदमी बैठे हुए हैं और इन लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। नेता, आपका क्या नाम हुआ? आनंदी मुंडा। आनंदी मुंडा, तो आनंदी जी जब चुनाव आता है, चुनाव समझे छे, वोट वोट का समय जब आता है तखनी नेता सब तो आपके पास आता है, क्या बोलता है नेता सब कि हमरा वोट दो और की देबो तोरा? कहे जा ई करी देबे, हाय बनाए देबो, तो कहां बनाए मकान बनाए देबो, ई करी देबो। अच्छा, हाँ मकान बनाए देबो, ई करी देबो, की ई करी देबो, गैस दे देबो तो वोट हमरा में दी हो। अच्छा, हाँ सुखत पर हम नहीं तो हमरा रुके। अच्छा अच्छा, तो आप लोग फिर वोट देते हैं यही सब लालच में आके? हाँ। तो फिर मिलता है कि नहीं? वो सब मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसका शिकायत उन नेता लोग से नहीं करते हैं? फिर उसके तो बाद वो लोग आते ही नहीं? तो वैसा पार्टी नहीं मिलता है वैसा, और वो लोग आते ही नहीं घूम के, जितने के बाद नहीं आते हैं? नहीं आता है। काम हो गया तो क्या गिराएगा? काम हो गया तो क्या गिराएगा बस। लेकिन नाम तो आप ही लोग का बेचते हैं वो लोग, तब कि दलित, महादलित, तो पिछड़ा, तो ये वो, इनको ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी। अच्छा, नीतीश कुमार जो दारू बंद किए तो उससे आप लोग के समाज में कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। फायदा हुआ क्या? फायदा हुआ बताइए। क्या फायदा? पैसा बच गया 2 टका, जो खर्चा होता था नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन अभी भी तो आपके गाँव में बहुत लोग पीते हैं या पांच रुपया लेकिन फायदा है? फायदा नहीं है। दारू बंद होने से आपके समाज में फायदा है? फायदा नहीं है, जो फायदा है फायदा है ये। अच्छा, पहले तो आप लोग मान लीजिए दारू बेचते उचते थे, अब नहीं बेचते? हम बनेबे नहीं करते, अब बेचते क्या करें? बचेंगे बनबे नहीं करता, बनता ही नहीं बनाए इसको। तो इसका फायदा, नीतीश जी जो दारू बंद किए तो इसका फायदा आपके समाज में हुआ? हाँ, आपका मानना है? हाँ, चलिए इसको हाँ, आप समर्थन करते हैं नीतीश कुमार का कि हाँ अच्छा हाँ, काम किए हैं? हाँ, आई गुटका जो बंद कर दिए हैं, गुटका उटका जो प्लास्टिक उलास्टिक है, इससे क्या नुकसान फायदा है आप लोग को? ना हम गुटका खाए नहीं कर। अच्छा, आप खाते ही नहीं? अच्छा, ये बताइए कि सरकारी योजना का आप लोग को कितना फायदा हुआ है? क्या क्या सरकार जो वादा करती है कि हम ये चीज दे रहे हैं, वो आपके गाँव में पेंशन, वृद्धा पेंशन सबको मिलता है? नहीं मिलता है तो वो लोग शिकायत नहीं करता है?
अब जो अपना घर को नेता है वही ना अब कुछ करवाई करेगा तभी न जाएगा। हम नारी लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? अच्छा अच्छा, अंधा साहब कहाँ जाएगा? अंधा साहब कहाँ जाएगा? लिखा देंगे और जाएगा बुला दीजिए तो फिर न जानिएगा। हम क्या जानते बात को? अच्छा है नहीं लिखा दिए दी गया अभी तो हमारा वृद्धा पेंशन आज मिल जाएगा। आज तक वृद्धा पेंशन आपको कहाँ मिला? कहाँ मिला हम लोग मिला है? कहाँ मिला है आप लोग को भी नहीं? कहाँ मिला है? 6500 पर टप न जा रहा है, मिलवे नहीं किया है, क्या मरने बाद भोज में देगा क्या? अच्छा है? सिलेंडर जो मोदी जी सिलेंडर घरे घर दिए हैं तो आप लोग को मिला है? हमको नहीं मिला। हमको नहीं मिला। हमको नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, तीन बार फॉर्म भर दिए नहीं मिला हमको। तो आप अपने जो संपर्क में है नेता लोग उन लोगों को नहीं बताया कि सिलेंडर काहे नहीं मिला? कितना बताएंगे हम, थक गए, बोलते बोलते थक गए। अब क्या करेंगे हम, छोड़ दिया गया, चप्पल किया गया। अच्छा, आप लोग मैंने भुला गए कि अब मांगना ही नहीं है, अब क्या करेंगे? अच्छा, गैस सिलेंडर नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है आपको, आपके बच्चे जाते हैं बढ़िया से स्कूल उस्कूल, पढ़ाई होता है बच्चों का? बच्चा बड़ा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? जब मेहनत मट्टी करके छोड़ दिया कहाँ पढ़ेगा? छोड़ा है तब जाएगा। पढ़ाई होता है बच्चों का? तो हम लोग का होता है गाँव में, तो बड़ा सा बच्चा है। अच्छा, बड़ा सा बच्चा है, तो उसको पढ़ाते उड़ाते हैं? ओ जवान सब है। अच्छा, बड़ा बड़ा हो गया बच्चा तो कहाँ से पढ़ाएगा? अच्छा, नाती पोता सब तो पढ़ता होगा ना? हम लोग पोता पोती सब पढ़े, पढ़ता है। तो लोग को पोशाक राशि वगैरह मिलता है? नहीं, पोशाक राशि नहीं मिलता है। का है तो स्कूल जाके नहीं कम्प्लेन किए? दो हमारे हमारा टेढ़ लाए जमता इनको टेढ़ ही, यानी कि टेढ़ का मतलब कि हमको समझ में ही नहीं आता इसका कहने का मतलब है। पोशाक राशि कपड़ा का, जो कपड़ा का पैसा जो है वो मिलता है स्कूल से? नहीं दिया है। अच्छा, लड़कियों को साइकिल उकिल मिलता है? साइकिल हमारा घर में नहीं है, नहीं साइकिल नहीं दिया है, स्कूल से साइकिल नहीं मिला है। जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है, जो मैट्रिक कर रहा है अच्छा उसको नीतीश कुमार दे रहा है, क्या बोलेंगे गलत क्या बात? हाँ नहीं नहीं, जो सही है वो बता। हाँ दे रहा है बेचारा, क्या गलत क्या करेंगे? अच्छा, झूठ क्या बोलेंगे बात? अच्छा ये बताइए कि अगर अभी आपको मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा इस बार जो इलेक्शन आ रहा है? हाँ, 20 में तो आप लोग किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? किसको बनाएगा? सब आया नीतीश कुमार, तो उसे रख बनाएगा नीतीश कुमार को? तो क्या रोड ने बनाया रखा है? सब दुनिया सब मुखा धर दिया नीतीश कुमार ने। अच्छा, पहले गड्ढा था। अच्छा, गड्ढा था टूटा था, अब कहाँ टूटा करके रोड दे दिया सरकार ने, बना दिया। तो इस बार नीतीश सरकार को ही चुनना है? चुनाव करेंगे कि? अच्छा, नीतीश बाबू को ही इस बार मुख्यमंत्री बनाना है? क्या बोलते हैं भैया आप बताइए? हम तो बोलिए रोशन के हाँ बने गए नीतीश कुमार को। क्या करेंगे? अच्छा, सरकार से खुश हैं? हाँ, पहले से ज्यादा सरकार आप लोग पर ध्यान दे रही है? क्यों नहीं, रोड बन गया, बिजली दे दिया हम लोग को, दिक्कत हटा दिया हम लोग को। अच्छा अच्छा अच्छा, मामू हम लोग अभी सुखी में है। अच्छा, सुखी में है? हाँ, ये आपका कहना है? हाँ, हमारा कहना है। अच्छा, आप बोलिए।